Subscribe and press the bell icon for latest update. पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 4 महीनों में बिहार घोटालों का मैन्युफैक्चर स्टेट बन गया है। तेजस्वी ने कहा कि घोटाले स्थापित होने के बावजूद किसी पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, न किसी को दोषी अपराधी पाया गया। नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भूत प्रेत घोटाले कर रहे हैं क्या। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर खुद का बचाव करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके खिलाफ अभी तक कोई स्थापित अपराध नहीं, फिर भी वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी मां राबड़ी देवी की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी वह शनिवार को ईडी को जाँच में सहयोग देने पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुँची थी। तेजस्वी ने कहा कि कोई अपराध नहीं होने के बावजूद वह आईटी सीबीआई और ईडी की जाँच में दो बार उन्होंने जहां बुलाया वहां जाकर उनकी जांच पड़ताल में दिल से सहयोग कर चुके हैं, लेकिन बिहार और देश में जो स्थापित अपराध कर रहे हैं उनकी जांच तो दूर कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।